मौसमी चटर्जी बॉलीवुड की वो अदाकारा रही हैं जो हमेशा ही अपने काम को लेकर पैशनेट रही हैं। उनकी हालत जैसी भी हो, सीन कैसा भी हो, किसी भी हालत में किसी भी सीन को वो हमेशा शूट करने के लिए हामी भर देती थी। पर उनका हमेशा अपने काम को लेकर इतना पैशनेट होना ही एक दिन उन्हें हॉस्पिटल लेकर चला गया था, जिस दौरान उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो मरते मरते बची थी। तो क्या है वो किस्सा और किस वजह से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था, आज के इस वीडियो में हम आपको यही सब बताने वाले हैं। पर उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। मौसमी चटर्जी जब करियर के कई सालों बाद एक बार फिर बड़े पर्दे पर दस्तक दे रही थी पीकू फिल्म के जरिए, तो उसके प्रमोशन के दौरान उन्होंने अपनी लाइफ के सबसे मुश्किल मोमेंट को बताया था, जो एक फिल्म का एक सीन था। और ये फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान, जिसमें वो मुश्किल मोमेंट था इनका वो रेप सीन जो आटे की फैक्ट्री में था, जिसकी वजह से इनके ऊपर कई सारा आटा डाला गया था और उस वजह से उनके मुंह में भी काफी सारा आटा चला गया था। एक तो ये पहले ही घबरा रही थी, पर फिर आटा लगने से और असहज महसूस कर रही थी। ये सीन रेप सीन होने के चलते तो काफी चैलेंजिंग था, ऊपर से ये प्रेग्नेंट भी थी, जिसकी वजह से ये और भी चैलेंजिंग हो गया था। जी हाँ, ये प्रेग्नेंट थी उस समय और अपनी इसी हालत को देखकर ये फूट फूट कर रोने लगी थी। पर प्रॉब्लम तो तब हो गई जब शूट के दौरान मौसमी अचानक नीचे गिर गई थी, जिससे ब्लीडिंग शुरू हो गई थी और फिर इनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें फिर आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया था। हालांकि उनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उनके बच्चे को कुछ नहीं हुआ था, उनका बच्चा भी बच गया था और वो भी सही सलामत घर आ गई थी, जिसके बाद वो एक लंबे समय तक शूट पर नहीं गई थी। तो देखा आपने कितनी डेडिकेटेड थी एक्ट्रेस मौसमी अपने काम को लेकर, हमेशा ही इन्होंने अपने काम को आगे रखा चाहे हालत फिर कैसी भी क्यों ना हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को इनकी कंडीशन जानते हुए भी ऐसे सीन्स करवाने चाहिए थे, और क्या इन्हें नहीं मना नहीं करना चाहिए था? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।